अस्सलाम जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब, ग्रिल कबाब हांडी। इसके लिए आपको 10 के करीब कबाब चाहिए होंगे। आधा किलो कीमे के कबाब आप कर लें और ग्रिल किए हुए हों। आपको ये मेरी रेसिपी जो है मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी, मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें घी ऐड करूंगी। इसमें मैं प्याज लूंगी, जो ड्राइड हैं ऑलरेडी, और बस इनको हम जल्दी से सौते करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2-3 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसमें एक अदरक और एक लहसुन की हम क्यूब ऐड करेंगे। इसमें अब हम ये मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें है हल्दी, नमक, चिकन क्यूब, सूखा धनिया, जीरा, ये है गरम मसाला, लाल मिर्च कुटी हुई, ये है करी पाउडर, मद्रास करी पाउडर जो कि स्पाइसी है, और ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ले लिया है, और ज़ीरा है, ये नटमेग स्पाइस है, सिनेमन पाउडर है, और थोड़ा सा लौंग का पाउडर है। तो अब हम लहसुन को और अदरक की पेस्ट की जो क्यूब डालिए, इसको थोड़ा सा सौते कर ले, और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जो कि ऑलरेडी गर्म है। कुकिंग का टेम्परेचर कभी भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसीलिए गर्म पानी ऐड करते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी सारी ये चीजें। तो हम भून लेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने ये देखिए ग्रिल करके कबाब रखे हुए हैं, और इसको मैं सीधा जो है इसमें डालूंगी। इसके अंदर अनारदाना है, ये जो आपको इसके अंदर ये नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इससे खट्टा फ्लेवर आता है, ऐसा कीमे में आना चाहिए कबाबों में।
इसमें मैं एक टेबलस्पून के करीब योगर्ट ऐड करूंगी। आंच को बिल्कुल हल्का करके आपने डालना है दही को ताकि ये फटे नहीं। That's it। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैं आपको कबाबों की वैसे एक ज़ुबानी रेसिपी बता देती हूँ, एक इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसमें आधा किलो कीमा लें आप, चिकनाहट वाला ना हो कीमा और बारीक कीमा हो। और उसके बाद आपने एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेनी है, हरा धनिया लेना है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, पुदीना ले लें इसी तरह 2 टेबलस्पून के करीब। और इसके अलावा फिर आपको चाहिए थोड़ा सा पार्सले, क्योंकि मैं पार्सले हमेशा कबाब में डालती हूँ। और पार्सले चाहिए, अनारदाना चाहिए, इसके अलावा आपको हरी मिर्च चाहिए 2 से 3 अदद, इसके अलावा लहसुन अदरक आप इसमें डालेंगे, और इसको आप इसमें एक अदद अंडा डालेंगे। अंडा फेंट के डालें और हमेशा देख के डालें कितना रिक्वायर्ड है, और फिर नमक डालकर तो आपने इसको शेप दे देना है, और शेप देख कर इस तरह कबाब की शक्ल देख कर तो आपने इसको ग्रिलर में ग्रिल कर लेना है, ग्रिल पैन में कर लें या ग्रिलर अगर आपके पास है तो ग्रिलर में कर लें, जिस तरह आपका आपको अवेलेबल है चीज़ उसी तरह आप बना लें। और बस आप उसको ग्रिल करके एक दिन पहले फ्रिज में रखेंगी ताकि कबाब का जो पानी है एक सॉफ्टनेस है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए, थोड़ा सा उसका पानी खुश्क हो जाए फ्रिज में। देन उसके बाद अगले दिन हम मसाला इस तरह तैयार करेंगे। इसमें नमक कम है, इसका हम मसाला तैयार करेंगे और इसमें हम फिर कबाब ऐड कर देंगे। तो बहुत इजी रेसिपी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इसमें जो स्पाइस है वो हरा मसाला और अनारदाना और नमक हरी मिर्च, बस यही है, और इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, अगर आपका कबाबों में चिकनाहट होगी तो आपके जो कबाब सालन में होंगे वो च्यूएबल बनेंगे, यानी कि वो च्यू आपको बार बार करना पड़ेगा, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब मैं इसमें कबाब ऐड करूंगी। चलें इसको हम इस तरह मिक्स करेंगे। इसको हम भून लेंगे अच्छे से।
इसमें मैं हांडी में मैं 1 टेबलस्पून के करीब क्रीम ऐड करूंगी, जो कि है सिंगल क्रीम और ये है डेरी फ्री क्रीम। थोड़ा सा और लूंगी मैं। आप क्रीम स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी लेंगे। इसको हम 10 मिनट इसमें पकने देंगे, क्योंकि ग्रिल ऑलरेडी है, कबाब तो ऑलमोस्ट हाफ डन है। सिर्फ इसको कुकिंग टाइम इसका जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ डन है। तो अब इसको हम 5 से 7 मिनट पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। और दूसरी तरफ मैं चूल्हे पर जो है कोयला जो है वो जलाऊंगी। एक तरफ हमारे होने हैं कबाब रेडी और हांडी जो है कबाब हांडी मसाला तैयार हो रहा है, और इधर हमारा कोयला सुलग रहा है। साथ ही इधर मैं जो हूँ शिमला मिर्च हल्की सी सौते करूँगी कुकिंग ऑयल में। इसमें मैं थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करूंगी, बस 1 से 2 ड्रॉप्स। That's it. थोड़े से तेल और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। और इसमें हल्का सा ग्रीन अनियन या चाइज आप ले लो। बस ये हमने 4 चीजें जो हैं फ्राई करनी है जल्दी से। एंड दैट्स इट। हमारे कबाब ऑलमोस्ट रेडी हैं। एक छोटी सी हमने कटोरी बना लेनी है फॉइल की। mm-hmm.
चूल्हा बंद करेंगे। हम इसका भी चूल्हा बंद कर देंगे, इसको रखेंगे यहाँ पर सेंटर में। थोड़ा सा ऑयल हम इसके अंदर पहले डालेंगे। और इसकी जो जली हुई साइड है, इसकी जो जली हुई साइड है जो बिल्कुल, इसको हम रख देंगे यहाँ। तो ये इस तरह इसका धुआं इसको लग जाएगा। तो हम इसको स्मोक देंगे। बस हम एक मिनट के लिए इसको स्मोक देंगे। जैसे अब हम इसमें ये जो हमने सौते किया है इसको ऐड करेंगे।
ये रही जी आज की हमारी डिश, जो कि है ग्रिल कबाब हांडी मसाला। और ये बहुत ही आसान है, इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाएं, इंजॉय करें। ये दावत का एक अब से एक मेन्यू में ऐड कर सकते हैं इस डिश को, और इसे आप घर में भी वैसे कैजुअली बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और ज्वाइनिंग मी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।